तो आज देखिए आज खाने में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमे आलू का सालन। अब इसमें डालेंगे कीमा जो हमने धो के रखे ना, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, कीमा डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मिक्स कर लेते। देखिए इसमें अगर आप लोगों को इस तरह से सूखा खाना है तो पानी नहीं डालना, इसमें बस दो सीटी लगा के इसको गला लेना आलू को। देखिए माशाल्लाह हमारा कीमे आलू का सालन जो है वो पक चुका है और यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके है ना। चलो हो गया अभी हमारा सालन रेडी। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। तो मॉर्निंग हो गई हमारी और हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करने के बाद अभी मैं बैठी हूँ सैफान के टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। सैफान के टिफिन में क्या बन रहा है? सैफान भी लगेला साथ में है। सैफान का फेवरेट क्या है सैफान, बोलो? टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी सैफान की बहुत पसंद है। सैफान को बहुत पसंद है बोलता, इसलिए खुद भी लगेला है, हेल्प कर रहा हूँ। टमाटर की चटनी दो, जल्दी बनेगी तो जल्दी से स्कूल में जाऊंगा। जल्दी बनेगी तो मैं जल्दी से लेकर स्कूल। उसको बहुत पसंद है टमाटर की चटनी, है ना? नहीं, खाने में बहुत मस्त टेस्टी लगती ना यार वो। यार इसकी रेसिपी तो मैं डाल चुकी हूँ। टमाटर की चटनी कैसे बनाते है ना, थोड़ी खट्टी मीठी बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी लगती है इसको। और ना उसको टमाटर के ये छिलके मुंह में नहीं लगना चाहिए, इसलिए पूरा छिलके निकलवा देता है वो। और खाली टमाटर की बोलता है मेरे को बना के दो। तो मैं छिलके निकाल के बनाती हूँ कि उसके मुंह में छिलके ना लगे। कांदा साफ करके दे दिया गया अपने मुताबिक। बस टमाटर महंगे इसलिए मैं ज्यादा भी बना रही हूँ। सिर्फ सैफान के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ, तीन चार टमाटर की, क्योंकि टमाटर महंगे आप लोगों को पता है। एप्पल के भाव में टमाटर बिक रहे बाबा। जो इसको धोकर लाओ, जो अपी बोल धोके दिया, अपी बर्तन धो रही है। ये देखो हसन अपना क्लास में लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। उसे भी गया पढ़ने, ये भी पढ़ रहा है, समरिंग काम कर रही है, और सैफान भी मेरी हेल्प कर रही है। तो अभी छोटी मोटी रेसिपी टमाटर की है, आप लोग भी अपने बच्चे को बहुत से तो टिफिन में बना के दो, हेल्दी है ना, अच्छा आइटम है ना। फिर रोटी के साथ दे दो या तो नरम पाव के साथ भी दे सकते ना, इसके साथ खा सकते, फिर बहुत मस्त लगता, नाश्ते में भी चलता है। और वही बोल कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल। सैफान दाल चावल के साथ भी खाता है, उसको सबके साथ पसंद है टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी रहता है। क्या बात, बोलेगा टमाटर की चटनी, आलू की सब्जी, यही सब दो, बाकी दूसरा अंडा नहीं खाता हूँ। गुंजी तो भी वापिस लेकर आता है। चलो फटाफट बनाओ, है ना? बनाती हूँ, इसको स्कूल भेजती हूँ, फिर आगे का क्या है आप लोगों से शेयर करूँ। ये देखिए मैं आज की जो रेसिपी बनने वाली उसका सामान लेके आ गया हूँ, है ना? दोनों अभी क्या है, क्या बनने वाला है आपको अफरीन बताइए। अभी अंदर अफरीन बना रही है सैफान के टिफिन के लिए टमाटर की चटनी, है ना? देखो कहाँ तक पहुंचा, दिखा दे, बन गई टमाटर की चटनी अफरीन, समझ लेंगे उसकी सैफान की। आ जाएगा, क्या बात है, ये देखो माशाल्लाह, रेडी रेडी दिखाओ बेटा। चटनी पक रही है यहाँ पर टमाटर की चटनी। क्या बात है, एक नंबर। ये लो रेसिपी का आइटम भी आ गया है, आपने जो मंगाया था वो जाके लेके आ गया। अभी खाना बनाना है ना दोपहर में, तो क्या बनाती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मैं जब तो रेडी जाऊँ, सैफान को स्कूल छोड़ूंगा, वैसे बुटीक पे जाऊँगा। हाँ, सैफान को स्कूल के लिए तैयार करके रेडी कर लेती हूँ, ये भी चले जाएंगे मेरे शोर। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ। टमाटर की चटनी बन गई है, सैफान बोला अबू मैं खाऊंगा अभी और टिफिन में भी लेके जाऊंगा, है क्या बेटा? अब बोल रहा प्लस बहुत जोर से भूख भी लगी है और उसके फेवरेट आइटम भी। कैसी बनी बेटा? बहुत अच्छी माशाल्लाह। ऐसा आप लोग भी ना बनाओ, अपने बच्चे लोग को टिफिन में दो। तो चलो अब ये खाएगा और जो बची ली उसके लिए, उसको स्पेशल इसके लिए बनाई गई टमाटर की चटनी, बाकी इसको टिफिन में डाल के दे देंगे, है कि नहीं आपने? टमाटर की चटनी पाव खा रहा है। चलो माशाल्लाह, चलो खा के जल्दी रेडी जाओ। हाँ चलो, अल्हम्दुलिल्लाह
सब काम हो गया मेरा, मेरे शौहर चले गए, सफन चले गया, मैं भी आ गई अभी नादों के फ्रेश होके किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज देखिए आज खाने में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमे आलू का सालन। हाँ, मेरे शौहर कीमा ला कर दिए, बोले कि आज दोपहर में वही बनाने के लिए। मैं आज कीमे आलू का सालन बना रही हूँ, आप लोगों को उसकी रेसिपी भी दिखा देती हूँ। आइए, कीमे आलू के सालन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आइए देखिए। यहाँ पर 500 ग्राम हाथ का कीमा है, देखो हाथ का ही लेना कीमा सालन बनाने के लिए। अगर कबाब, सीख कबाब बनाना है तो मशीन का लेना, नहीं तो हाथ का ही कीमा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटा मोटा रहता है ना। तो ये हाथ का कीमा है, आधा किलो कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के छलनी में रखी हूँ ताकि जो कीमे का एक्स्ट्रा पानी है वो सब नीचे आ जाए, ठीक है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे मैंने रखी हूँ एक कुकर, कुकर में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। देखो 2 चम्मच तेल चला गया, अब इसको गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल में डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। यहाँ पर मैंने ली हूँ तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा और छोटी इलायची। ये थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। अब उसी के साथ डालेंगे हम 2 बड़ी प्याज इस तरह से बारीक चॉप की हुई। मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बनाना है तो पतीली में भी बना सकते हैं कढ़ाई में। कुकर में क्या जल्दी से बन जाता है ना, टाइम भी कम लगता है और जल्दी से बन भी जाता है। तो प्याज को अभी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कीमा जो हमने धो के रखे ना, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, कीमा डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 से 6 मिनट कीमा डाल के भून लेंगे ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए जब तक हम भून लेते। तो यहाँ पर कीमा हमारा अच्छी तरह से भून गया है, ये देखिए, और तेल भी छोड़ दिया है, अच्छे से भूनी हूँ मैंने इसको। अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो देखो सूखे मसाले में मैंने क्या क्या ली हूँ। 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मटन मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब मसाले भी हम इसी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, मसाले डालकर भी भून लेते हैं। मसाले डालकर भी मैंने भून ली। अब इसमें जाएगा टमाटर, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर ली हूँ, ये भी डाल देंगे। चलिए अभी इसको अच्छी तरह से और भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, वहाँ तक हम इसको भून लेते हैं 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए टमाटर डालकर भी 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से कीमे को भून ली हूँ और कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है, देख सकते आप। अब इसमें जाएगा दही, यहाँ पर मैं 100 ग्राम दही डाल रही हूँ। दही डालकर भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। दही डालने से टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए दही डाल देना। दही डाल के मैंने स्लो फ्लेम कर दी हूँ, अभी फ्लेम हाई करके इसको 1 मिनट और भूनेंगे। तो ये देखिए दही डालकर भी मैंने 1 मिनट तक इसको भून ली हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा पानी। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। ये 2 गिलास पानी गया इसमें। चलिए अभी ढक्कन लगा देंगे इसका, कुकर का ढक्कन लगाकर 6 से 7 सीटियाँ आने देते हैं। 6 से 7 सीटी आएगी उसके बाद मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। तो प्रेशर रिलीज हो गया, खोलते हैं। यहाँ पर हमारा कीमा पक चुका है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे आलू। अब इसमें जाएगा 300 ग्राम आलू
ये देखो आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। ये डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें जाएगा एक चम्मच कसूरी मेथी, इससे अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे हम चार हरी मिर्च, थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना। इसको मिक्स कर लेते। देखिए इसमें अगर आप लोगों को इस तरह से सूखा खाना है तो पानी नहीं डालना इसमें, बस दो सीटी लगा के इसको गला लेना आलू को। मगर हम लोग को थोड़ा सालन जैसा चाहिए तो मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा कर इसको और दो सीटी ले लेती हूँ ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छे से गल जाए। चलो आलू डालने के बाद अभी मैं ढक्कन लगाती हूँ, दो सीटी होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ फिर कुकर खोल के। तो यहाँ पर दो सीटी हो चुकी है और अभी कुकर खोल के देखते हैं हमारे आलू गले या नहीं। देखिए माशाल्लाह हमारा कीमे आलू का सालन जो है वो गल पक चुका है और यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं ना। चलो हो गया अभी हमारा सालन रेडी, अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो चलिए अभी डिश आउट कर लेते। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इतना ज़बरदस्त बना है हमारा सालन। तो ये हमारा कीमे आलू का सालन बनके रेडी हो गया है। अब इसको हरे धनिए से कर देंगे गार्निश। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त बना है हमारा सालन। तो ये हमारे कीमे आलू का सालन हो गया है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करना। इसे आप लोग रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए फिर अभी हम लोग खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी मेरे शौहर के लिए भी टिफिन भिजवा रही हूँ दुकान पे, हसन जा रहा है लेकर। चले जाते हैं। और दिखाएगा भी उसके अब्बू को खाते हुए। चल तो हम पहुँच गए दुकान पर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जा आ जा, क्या बात है क्या बात है, आ गया खाना लेके। हाँ। वो अफरीन का फोन आया, बोले कीमा आलू कीमा बन के रेडी हो गया। मतलब वाह वाह क्या बात है, बोले भेज दो क्या होगे। मतलब बारिश बहुत है, कस्टमर भी बोला भेज दो, मैं दुकान पे खा लेता हूँ। बोले अच्छा ठीक है भेजती हूँ। तो चलो माशाल्लाह हसन ने लेके आया है, बारिश के अंदर ही माँ इतनी जोर से बारिश हुई फिर भी लेके आया। तो बोला खाना ना खा लेता हूँ है ना, उसके बाद फिर आपसे मैं बात करता हूँ। और अफरीन को ये बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं पेड़, तो यहाँ से पेड़ वाला जा रहा था तो बोला अफरीन के लिए पेड़ भी ले लूँ, क्यों उसको अच्छा लगता है माशाल्लाह। अभी तो खाना खा के उसको भेजूँगा ना तो बहुत खुश हो जाएगी वो, क्या अभी सरप्राइज है उसको बताया नहीं मैं पेड़ भेज रहा हूँ है ना। ऐसा तो लेके जाता हूँ कि अभी दिख गया दुकान सामने गाड़ी वाला जा रहा था, तो बोला सेठ चाहिए क्या, बोला दे दे भाई, तो देखे चला गया। अच्छा मिला तो अभी खाना खाता हूँ, कैसा बना आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। ओके कॉफ़ी खाते हैं। चलो माशाल्लाह बैठ गया हूँ, सब निकाल के खाना माशाल्लाह अभी दिखाता आपको। ये देखिए ओहो ये आ गया है मेरा, ये तो परब कीमा, क्या बात है एकदम जबरदस्त सी से करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट तो लाजवाब होगा। और ऊपर साथ में भीजिए अफरीन ने लींबू, कीमे के साथ लींबू एक नंबर। और ये कांदा है, ये वाइट कांदा मैं मेरे दोस्त के साथ फार्म हाउस पर गया था ना तो हाईवे से लिया था। वाइट कांदा हम लोग पर पूरा गुच्छा रखा हुआ है, एकदम पूरा बंडल आता है ना, सब पूरा व्हाइट कांदे का पूरा बंडल आता है, वो लेके आया था। और ये देखिए हमारा कोलम स्टीम राइस, ये देखो माशाल्लाह मैंने प्लेट को रेडी कर दिया हूँ। और कीमा का सालन, आलू और चावल और साथ में लींबू, ये लींबू मार देंगे तो एक नंबर टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त एकदम। ये मेरा दावा है आज की ये रेसिपी जो बनाई ना फ्रेंड ने, ये रेसिपी जो लोग देखेगा इंशाल्लाह वो रेसिपी देखो आप लोग अपने घर में कल ही बनाएंगे। आकर कमेंट पे बता कि हमने कीमा आलू सालन बनाया, क्योंकि ये आइटम जो रेगुलर है और ये आप लोग फटफट बना लेंगे और इंशाल्लाह सब लोग कल बनाना अपने घर के अंदर।
और खिलाना अपने शोहर को, अपनी फैमिली को, और हमको कमेंट करके बताना है क्या नहीं। चलो सर अभी खाता हूँ, आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एकदम जबरदस्त बना, जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक नंबर टेस्ट है, बहुत ही उम्दा। कल मैं पहले खा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, ओके, बाद में मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना ना खा लिया, लेकिन धो जाऊँ, मैं भेज देता हूँ अफिन को घर पे वापस। एक नंबर खाने में मज़ा आ गया, पारी पानी नहीं भेजी थी माशाल्लाह। तो अभी मेरे जितने सब्सक्राइबर को मेरी दुकान के बारे में मालूम है, कुर्ला वेस्ट में मेरा बुटीक है, हाँ ओनली मेंस का, और जिसमें सब इम्पोर्टेड आइटम है, जीन्स शर्ट टी शर्ट बेल्ट, टोटल मेरे पास जितना भी आइटम है इम्पोर्टेड है। मेरे पास टी शर्ट्स 500 से स्टार्टिंग है और जीन्स 1500 से स्टार्टिंग है, ओके। जिस किसी को चाहिए रहेगा कुर्ला वेस्ट में आना, मेरी दुकान का नाम है वॉग इन, हाँ अल्लाह का एहसान है बहुत फेमस है। किसी को भी पूछें कुर्ला वेस्ट में भाई शकील भाई की दुकान किधर है, वॉग इन, अल्लाह ने चाहे तो जो जानता है आपको मेरी दुकान पर भेज पहुँचा देगा, ओके। तो चलो माशाल्लाह, फिर हसन अभी जाने वाला है, हसन घर पर जाएगा और अभी जो अफरीन के लिए लिया हूँ पैर वो लेके जाएगा माशाल्लाह, अफरीन बहुत खुश हो जाएगी। और आप लोग एक बात बताओ, हो सके ना जब भी रात को घर पे जाओ तो अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। हाँ सैफान तो वेट में रहता है, सैफान नीचे गेट पे खड़ा रहता है, अब वो आएंगे फिर मेरे साथ जाएंगे मेडिकल पे जाके चॉकलेट लेगा, ऊपर चढ़ता नहीं है, घर पे जाएगा ना गेट पे बैठा है वॉचमैन के साथ, आधा घंटा 15 मिनट बैठे हैं, मैं इंतजार करते हैं उसको, मालूम आपको 10 बजे के बाद निकलेंगे तो 10:30 तक बैठता ही हूँ नीचे। हाँ तो चलो माशाल्लाह, आप भी दुआ में याद रखो, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब करो, और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे, फिलिस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला वापस छत दे दे, उनको खाने को खाना नहीं है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी हर ज़रूरत की चीज़ बड़ी आसानी से उनके तरफ पहुँचा दे, है ना। और उनकी ज़िंदगी से वो मरहूम गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलो फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ये दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय। तो अभी खाना खाने के बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी, जैसा कि आप लोग पता है मेरे शौहर को दुकान पे भिजवाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी आप लोगों से बात की और खाना भी खाकर दिखाए, और मेरे लिए वहाँ से पैर भेजे थे तो वो मैं खाई, उसके बाद आराम कर रही थी। अभी फिर सैफान आ गया, मैं उठ गई अपनी चाय पीने के लिए, अभी बैठ गई हूँ, चाय बिस्किट खाऊँगी। और सैफान भी आ गया है, देखो उसके भाई को दिखा रहा है सब होमवर्क वगैरह, उसका भाई चेक कर रहा है। तो सोचिए अभी चाय पीते पीते आप लोगों से बात करूं और ये वीडियो को एंड करूं, क्योंकि अभी फिर मालूम है आप लोगों को मुझे नमाज का वक्त होता है, उससे पहला मैं वीडियो एंड कर देती हूं। और अभी माशाल्लाह बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा सैफान घर पे आ गया, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो चलो फिर वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को हमारा दिन भर का रूटीन और हमारा कीमा आलू का सालन, मेरे शौहर को तो बहुत मज़ा आया खा के, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी ये रेसिपी आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फिर ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सभी लोगों की दुआ से और मेरे अल्लाह के करम से आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कल थोड़ा सा फीवर वगैरह था, मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आप लोगों से फिर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप प्लीज़ दस्तर था।